Hello kids, good morning. So kids, today we are going to read a very interesting story from our book Jumbo Nursery Rhymes. आज हम एक बहुत ही interesting story सुनेंगे बहुत अच्छे moral के साथ. So come to page number 78, story number 5, The Hidden Treasure. तो पहले the hidden treasure का मतलब समझे. Hidden treasure मतलब छुपा हुआ खजाना. Treasure is called खजाना in Hindi and hidden मतलब छुपा हुआ. So let's read the story now. An old farmer had lazy sons. एक old farmer था, एक farmer था जो बहुत old था. उसके जो बच्चे थे बहुत आलसी थे, बहुत lazy थे. The farmer was very worried. जो farmer था ना, उनका पापा था, he was very worried कि बच्चों का क्या होगा, इतने आलसी हैं. He called his sons when he was very ill. उसने अपने बच्चों को बुलाया जब उसकी तबीयत बहुत खराब थी. उसने अपने बच्चों को बुलाया. He told them that there was a big treasure hidden in some part of the field. उसने उनको क्या बोला कि जो उनकी फील्ड है, जो उनकी खेत है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा हिडन ट्रेजर है, एक बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है उनके फील्ड में. They should find it after his death. उसने पापा ने अपने बच्चों को बोला कि तुम्हें वो ट्रेजर ढूंढना है मेरे मरने के बाद. After my death, you have to find that treasure. खजाना ढूंढना है. When he died, his sons dug up the whole field. वो बच्चे इतने आलसी थे पर उनको खजाना चाहिए था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरी फील्ड में खुदाई चालू कर दी, पूरा मिट्टी खोदना चालू कर दिया. But there was no treasure in it. बट क्या हुआ, उसमें तो कोई खजाना ही नहीं मिला, उनको कुछ भी नहीं मिला. उन्होंने पूरा खोदा, मिट्टी निकाली, बट देयर वाज नो ट्रेजर इन इट. सो दे गॉट एंग्री विद देयर डेड फादर. तो उनको बहुत गुस्सा आया अपने पापा पे. उनको लगा उनके पापा ने उनसे झूठ बोला है, वहां तो कोई ट्रेजर ही नहीं है. दे गॉट वेरी एंग्री. सून इट बिगेन टू रेन. तभी थोड़ी देर बाद ही जोर से बारिश होने लग गई. जैसे ही बारिश हुई, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी फील्ड में जो सीड रहते हैं उन बीज को बो दिया. दे सो द फील्ड. उन्होंने स्टार्ट कर दिया. सो मतलब सोइंग, मतलब बीज डालना, मिट्टी में बीज डालते हैं, प्लांट उगता है ना. सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सोइंग. सो दे स्टार्टेड सोइंग द फील्ड. They got the best crop that year. क्या हुआ, उस साल जब उन्होंने बीज बोया, बारिश हुई, प्लांट से क्रॉप बना, और उस साल उनके खेत में सबसे अच्छा क्रॉप उगा, सबसे अच्छा क्रॉप वहाँ पे उगा उस साल. Since then they always worked hard. जब भी ऐसा हुआ, उसके बाद से उन्होंने क्या किया, हर साल वो ऐसे ही मेहनत करते रहे. उन्होंने मिट्टी खोदी, फिर उन्होंने बीज बोया, पानी डाला, वो क्रॉप बना, और फिर उन्होंने मार्केट में जाके सेल किया. और वो ऐसे करते 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 साल भर साल वो बहुत रिच बन गए. दे बिकेम वेरी रिच, बहुत अमीर बन गए इतनी मेहनत करने के बाद. सो किड्स, व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी. आपको इससे क्या सीखने को मिलता है, आपको इससे ये सीखने को मिलता है दैट द फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क आर ऑलवेज गुड. मेहनत का फल हमेशा अच्छा होता है. जैसे उन्होंने मेहनत की, उन्होंने उनके पापा ने उनको लेसन सिखाया. कोई ट्रेजर नहीं था, बट उनके पापा ने जानबूझकर उनको ऐसे बोला ताकि वो बच्चे मिट्टी खोदें, बाद में बीज बोएं, पानी डालें, और फिर वो क्रॉप बने, और ऐसे वो मेहनत करना सीखें और बहुत बड़े इंसान बन जाएं. सो ऐसे ही किड्स, हमें भी कभी लेजी नहीं बनना चाहिए, आलसी नहीं बनना चाहिए. हमें भी अपना काम खुद करना चाहिए, और ऐसे ही हमें भी आगे जाकर अपनी मेहनत का फल मिलेगा. सो आई होप किड्स यू ऑल लाइक दिस स्टोरी. अगेन यू हैव टू रीड दिस स्टोरी फ्रॉम द बुक फ्रॉम पेज नंबर 78. आपको ये पूरी बुक, पूरी स्टोरी रीड करनी है बुक से. ओके किड्स.